बात करने वाले हैं आईटीसी के स्टॉक को लेकर। और आईटीसी के स्टॉक के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, क्योंकि 210 रुपए से 270-80 का हाई लगा चुका है और 260 से लेके जो 270 का लेवल है हमारे पास में, यहाँ पे आईटीसी का स्टॉक एक कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पे एक बहुत खास चार्ट पैटर्न बना है आईटीसी के स्टॉक के अंदर डेली चार्ट पे, जिस चार्ट पैटर्न को हम कहते हैं डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न। अगर हम आईटीसी के स्टॉक के भाव की बात करें तो फ्राइडे का क्लोजिंग भाव है 266 का, चार्ट पे चलेंगे वहां जाके देखेंगे किस तरह का आईटीसी के अंदर हमें एक डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास में आईटीसी का एक डे चार्ट है। इस डे चार्ट के अंदर आप देख सकते हो ये हमारे पास में 210 रुपए से एक रैली स्टार्ट हुई थी और ये कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे स्टॉक के अंदर। यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं डायमंड चार्ट पैटर्न किस तरह का होगा तो कुछ इस तरह से आपको डायमंड चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो हम अब आईटीसी के स्टॉक में डायमंड चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास में ये हो चुकी है, थोड़ा सही तरह से ड्रॉ नहीं हो रहा है। चलिए हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं फिर यहाँ पे जाके सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईटीसी के अंदर एक डायमंड चार्ट पैटर्न यहाँ पे बना है। और साथ में देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात भी करेंगे ना तो वॉल्यूम भी यहाँ पे बहुत ही कम हो चुकी है इस कंसोलिडेशन के दौरान। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, साथ में जो वॉल्यूम थी वॉल्यूम भी हमारी बहुत ही सूख चुकी है। अब आपको करना क्या होगा, देखिए इंतजार करिए, या तो यहाँ से ये पैटर्न है ये ब्रेक हो जाए, इसके हाई के ऊपर निकल जाए तो ये जो डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न बना है यहाँ पे ये फेल हो जाएगा, स्टॉक में दोबारा से एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। एक बात और, जो 270 से के आसपास का जो एरिया है ना वो हमारा आईटीसी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी एरिया बन के आ रहा है। या फिर जब तक स्टॉक अपना ये पिछला स्विंग हाई जब तक नीचे ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हमें इसमें बिकवाली नहीं करनी है। और जैसे ये 250 के आसपास का एरिया नीचे निकल जाएगा तो यहाँ पे डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न का हमें कंफर्मेशन होगा। तो इस समय कुछ नहीं करना, आईटीसी के स्टॉक के अंदर इंतजार करिए। और अगर यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आईटीसी का स्टॉक निकलता है तो 280 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 दिन ये रेजिस्टेंस रहे और 3 दिन लगातार इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इस तरह से आईटीसी के अंदर एक डायमंड टॉप चार्ट पैटर्न बनाए। अगर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहां जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं।